निमृत सालिन के साथ साथ कई सदस्यों को बिग बॉस के जरिए मिला बड़ा प्रोजेक्ट। जी हां, बिग बॉस के घर में जहां झगड़े और बहस देखने को मिले तो वहीं कई सदस्यों को मिली बड़ी अपॉर्चुनिटी। जी आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के सदस्य सालिन भनोट को ब्यूटी एंड द बीस्ट में कुशाल टंडन की जगह काम करने का मौका मिला है। वहीं निमृत कौर आलूवालिया को एकता कपूर और दिवाकर बनर्जी की लव सेक्स और धोखा 2 की अपॉर्चुनिटी मिली है। वहीं बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद गौतम को भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, जो कि रवि दुबे और सरगुन मेहता की डेली सोप जुनूनियत है। वहीं अगर बात प्रियंका चर चौधरी की करें तो सलमान खान ने इतना बताया है कि उन्होंने प्रियंका के लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान कर रखा है। वहीं एकता कपूर ने भी अपना सरप्राइज प्रियंका के लिए बचा कर रखा है, जहां फैंस ऐसे कयास लगा रहे हैं कि सलमान खान उन्हें अपनी फिल्म में ब्रेक देने वाले हैं। वहीं अंकित गुप्ता को भी उड़ारिया के बाद जुनूनियत के लिए साइन कर लिया गया है। साथ ही सुम्बुल तौकीर खान की बात करें तो बिग बॉस के घर में जब एकता कपूर आई थी तभी उन्होंने कह दिया कि सुम्बुल को ब्रेक मिलने वाला है नागिन 7 में। हालांकि उन्होंने इसकी खुली रूप से अनाउंसमेंट नहीं की है क्योंकि नागिन 6 अभी भी चल रहा है। वहीं जब बात शिव ठाकरे की आती है तो आपको बता दें कि रोहित शेट्टी ने प्रियंका अब्दू और शिव ठाकरे को खतरों के खिलाड़ी के लिए ऑफर किया था, जहां सूत्रों की माने तो शिव ठाकरे ने खतरों के खिलाड़ी को साइन कर लिया है। वहीं अब्दू रोजिक सलमान खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में दिखने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि अब्दू रोजिक सलमान खान के किसी का भाई किसी की जान और बिग ब्रदर में दिखने वाले हैं। साथ ही उनका नया गाना भी रिलीज हो चुका है। वहीं बात अगर एमसी स्टैन की करें तो एकता कपूर ने उन्हें कहा था कि वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में रैप को भी शामिल करने वाली है, जिनमें एमसी स्टैन को वो मौका देंगी। वहीं आपको बता दें कि एमसी स्टैन ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी है कि बिग बॉस के घर से निकलने के बाद एमसी स्टैन लगातार 2 अपकमिंग ट्रैक लाने वाले हैं। वहीं टीना दत्ता दुर्गा और चारू में लीड रोल में नजर आने वाली हैं। फिलहाल ऐसे अपडेट को जानने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।